नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है। आप ये मत समझिएगा कि आज से किरोड़ीलाल सक्रिय है। किरोड़ीलाल तो उस वक्त से सक्रिय है जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी राजनीति की शुरुआत में ही थे। लेकिन क्या आप वो किस्सा जानते हैं जब किरोड़ीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके बहुत पीटा था, वो भी पीएम मोदी की वजह से। चलिए आपको भी बताते हैं इस चौंकाने वाले किस्से के बारे में। दरअसल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को एक काला दिन कहा जाता है। इस दिन तब देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था, जिसके चलते भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था और इसके खिलाफ अनगिनत लोगों ने आवाज उठाई थी, जिनमें बीजेपी के नेता किरोड़ीलाल मीणा, पीएम मोदी समेत कई नेता शामिल थे। और अब 2024 25 जून को आपातकाल को 49 साल हो गए हैं। आपातकाल के वक्त संपर्क में थे मोदी और किरोड़ीलाल। आपातकाल के वक्त किरोड़ीलाल बीकानेर मेडिकल कॉलेज में थे और एमबीबीएस कर रहे थे। उसी समय वो कॉलेज में संघ की शाखा लगाने लगे और तब किरोड़ीलाल को संघ की तरफ से राजस्थान का जिम्मा दिया गया। उन्हें उस वक्त गुजरात से प्रचार सामग्री लाकर राजस्थान में बांटना था और गुजरात में उस वक्त मोदी प्रचार सामग्री छापते थे, इसीलिए किरोड़ीलाल और मोदी दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, क्योंकि किरोड़ीलाल को गुजरात से प्रचार सामग्री राजस्थान में मोदी देते थे। इसके साथ गुजरात से नरेंद्र मोदी किरोड़ी को इमरजेंसी विरोधी पर्चे भी भेजते थे। मोदी की वजह से किरोड़ीलाल हुए थे गिरफ्तार। किरोड़ीलाल प्रचार सामग्री को बांटने का काम कर रहे थे कि इसी बीच पुलिस को इस बात का पता चल गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लॉकअप में किरोड़ीलाल को बुरी तरह पीटा गया था। इतना ही नहीं, इतना उन्हें पीटा गया था कि वो बेहोश हो जाते थे और जब वो होश में आते थे तो फिर मारपीट का सिलसिला शुरू होता था। पुलिस चाहती थी कि किरोड़ीलाल अपने साथियों का नाम बताए, खासकर मोदी, क्योंकि उनसे ही उन्हें प्रचार सामग्री मिलती थी। लेकिन किरोड़ीलाल ने मोदी का नाम नहीं बताया। कहा गया था कि किरोड़ीलाल मोदी के संपर्क में थे और क्योंकि वो मोदी से लेकर प्रचार सामग्री यहाँ राजस्थान में बांट रहे थे, इसीलिए मोदी की वजह से किरोड़ीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि मोदी ही किरोड़ीलाल को प्रचार सामग्री देते थे। उनके संपर्क में रहने की वजह से किरोड़ीलाल गिरफ्तार हो गए थे। तो ये था वो किस्सा जो आज भी लोग याद करते हैं किरोड़ीलाल को लेकर, कैसे आपातकाल के वक्त वो इसके विरोध में जमीनी स्तर पर उतर आए थे और मोदी का साथ दे रहे थे। अभी फिलहाल किरोड़ीलाल की बात करें तो वो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, लेकिन खबरें हैं कि वो अपनी ही सरकार से नाराज चल रही हैं, क्योंकि उन्हें उनके मन लायक विभाग नहीं मिला है। हालांकि किरोड़ीलाल शांति बैठे हैं और अभी भी जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। जाते जाते उनका एक ऐसा ही हाल फिलहाल का वीडियो आपको दिखाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस किस्से पर, चौंकाने वाले किस्से पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप कहीं भी चल जाओगे ना तो देवता पूछता ही है, जंगल में जाके बैठ जाना, भले लोग आएंगे। किसी ने बताया मेरे बात नहीं, एलिगेट में कोई बसावट नहीं है, गलत कहा, कोई बसावट नहीं है। मैं रोज वॉकिंग करने जाता हूँ, अपनी आंखों से देख क्या कर, ऐसा है तो ऐसा होता है।